राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बड़े दिनों के बाद आना हुआ यार। आज ना मन में एक बात थी। आजकल एक नया सा ट्रेंड चल गया बच्चों के बीच में कि इस जिम में ये नहीं होता, इस जिम में फैट नहीं लॉस होता, इस जिम में मसल गेन नहीं होता। तो यार इस बारे में ना मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहूँगा। एक्चुअली ना जिम में वेट सेम होता है ना। सबके डंबल सेम है, मशीनें सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जिम में कोई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपका फैट लॉस करती है या मसल गेन करती है। वो डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन के ऊपर, आपके वर्कआउट प्लान के ऊपर, ठीक है। आप क्या डाइट ले रहे हो, कितने दिन जिम जा रहे हो। अब बच्चे क्या करते हैं, एक दिन जिम आते हैं, 10 दिन की छुट्टियाँ, या एक दिन जिम आए, 2 दिन छुट्टी, फिर आ गए, फिर छुट्टियाँ। अच्छा, फिर वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जिम को, जिम ट्रेनर को। सबसे पहले तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप में देखें कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम अपनी डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, जो वर्कआउट प्लान है वो प्रॉपर कर रहे हैं, डेली जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप से पूछ के ना फिर यार किसी जिम को ब्लेम करो कि जिम में फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस जिम में हो रहा है, उस जिम में नहीं हो रहा है। मैं गारंटीड बोल सकता हूँ, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, उनका किसी भी जिम में नहीं हो सकता। अगर वो इसी डेडिकेशन से कि एक दिन आना, 2 दिन नहीं जाना, जो मर्जी खा लेना, जब तक आप अपना डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना, आप कहीं पे भी जाके फैट लॉस नहीं कर सकते। थैंक यू।